हरे कृष्ण एवरीवन, आई थिंक रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड नाउ। सो हम देखते हैं कि भुवनेश्वर, जानते हो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर है ना। सो ये वाला भुवनेश्वर है और यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब कि एक नदी आ रही है उसको बांट दिया तीन चार नदियों में। ट्रिब्यूटरी मतलब तीन चार नदियाँ आकर के एक नदिया में मिल गई, 10-12 भी आ सकती है, 10-20-25 भी आ सकती हैं, पर जो नदी आकर के मिलती हैं उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, जो नदी बट जाती है उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। ट्रिब्यूटरी का स्पेलिंग लिख देता हूँ, TRIBUTARY, ट्रिब्यूटरी। एंड डिस्ट्रीब्यूटरी का लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटरी, DIST। डिस्ट्रीब्यूट मतलब समझ में आता है ना कि बांट देना, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, ठीक है। यह है ट्रिब्यूटरी, यह है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी कौन सा, तो आकर के जो नदी मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सा, तो जो नदी एक नदी में से ढेर सारी बन करके बट जाती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। क्लियर ऑल रिटन टेक्स्ट है नाउ। अब जो एक पेज पे लिख रहे थे ना कि नॉर्थ से साउथ ये नदियाँ हैं ईस्टर्न घाट की, हाँ तो उसी में लिखना है। चिल्का लेक तक हमने लिखवा दिया था, चिल्का प्लेन से चिल्का लेक तक, ठीक है। अब उसके ऊपर लिखना है सार। सार एक वाटर लेक है, मतलब लेक नहीं है, वाटर स्टोरेज है। यहाँ पर लिखना है सार और सार के साथ लिख देना है लेक, लेक लिख दो अच्छा रहेगा क्योंकि पानी आकर के इसमें इकट्ठा होता है, तो ये सार है। और ये जो सार का जो नदी है ये भुवनेश्वर से होकर के आती है, ठीक है। कहाँ से होकर के आती है, तो भुवनेश्वर से होकर के आती है। और महानदी का ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, महानदी रिवर का नाम सुने होंगे, तो महानदी का ये डिस्ट्रीब्यूटरी है सार देवी रिवर। तो ऐसे चिल्का लिख दो यहाँ पे, उसके ऊपर लिख दो सार और सार के नीचे ऐसे बना दो कि ये वाटर रिजर्वायर है, ठीक है। और उसके ऊपर लिख दो देवी रिवर, देवी लिख दो, है ना, ठीक है। तो ये अब जहाँ से ये तीनों डिस्ट्रीब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूट होती है उसका नाम है कटक, तो CUTTAK, कटक। इस कटक को लिख दो यहाँ पे और इसे तीन डिस्ट्रीब्यूटरी बना दो, पहले का नाम खाली छोड़ दो, दूसरे का नाम देवी लिख दो, तीसरे का नाम सार लिख दो, ठीक है। अब ये महानदी को हम देख रहे हैं, अब इससे आगे खींचो, महानदी का नया एक वो बनाओ लिस्ट। ये तो ईस्टर्न वाले में लिख दिए कि महानदी आ रही थी, इसमें तीन भाग में बट गए, है ना। तो अब एक महानदी का नया वो बनाओ कि टाइटल डालो महानदी, जैसे गोदावरी डाला था, ठीक है, जैसे कृष्णा डाला था, इसके ऊपर है महानदी तो महानदी का डालता। अच्छा दो और इसमें लिख लो कि एक नदी है जो कि मैंने बताया हुआ पहले, उस नदी का नाम है ये ब्राह्मणी, ठीक है। ये महानदी से जस्ट ऊपर बह रही है और क्या नाम है ब्राह्मणी। अब ये आ कहाँ से रही है, तो मंदिरा रिजर्व से। अरे हाँ, ये तो मंदिरा रिजर्व से आ रही है। और ये कौन से नदी से मिलकर के बनी है, तो इसमें दो नदियाँ मिली हैं, एक शंख मिला है। अब शंख कहाँ है, तो मैं शंख दिखा देता हूँ, ये देखो ये शंख रिवर है, ठीक है। ये इसको अंडरलाइन करता हूँ, ये है SANK शंख रिवर। शंख आकर के मंदिरा रिजर्व में गिरती है और यही मंदिरा रिजर्व से नदी जाती है ब्राह्मणी नदी, है ना। एक और नदी इसमें आकर के मिलती है जिसका नाम है साउथ कोल। अच्छा तो दो नदी आपने बताया था, एक नॉर्थ कोल एक साउथ कोल, हाँ तो ये नॉर्थ कोल है जो सोन में जाकर के मिलती है। अच्छा ये सोन में चली जाती है ना ऐसे, और ये साउथ कोल वाला आ जाती है किसमें, ब्राह्मणी में। ओके, मतलब ब्राह्मणी जो है ऐसे लिखने के बाद ईस्ट वाले में, ये जो मैंने लिखा था ना कि लिस्ट बनाओ नॉर्थ से साउथ, ईस्ट कोस्टल वाला रीजन, ईस्ट कोस्ट वाला, उस वाले में लिखना है। तो ये कहाँ से लिखना है, तो आपने सार लिख लिया होगा, देवी लिख लिया होगा, इसके ऊपर लिखो ब्राह्मणी और ब्राह्मणी में ऐसे दो कर दो, एक लिख दो साउथ कोयल और एक लिख दो शंख, कोयल के नीचे शंख, ऐसे उनके शंख। तो ये साउथ कोयल शंख मिल करके ब्राह्मणी बना देंगे। अब याद कैसे रहेगा कि साउथ कोयल और शंख, तो ऐसे रहेगा कि बताओ ये ब्राह्मणी नदी दिख रहा है, हाँ जी, तो ये कहाँ से बना है, शंख से। शंख कौन बनाता है, ब्राह्मण,
संघ कौन बजाते हैं? ब्राह्मण। ओके, तो ब्राह्मण शंख बजाएंगे। ओके ओके। और ये कोयल, कोयल भी कुकु कुकु बोलती है तो शंख के जैसा ही लगता है थोड़ा वो, तो साउथ कोयल। ये सेट ना हुआ, हाँ तो सेट ना होने दो, तो फिर भी याद करो कि साउथ कोयल और शंख है। ओके ठीक है, गुस्सा मत कीजिए है ना। नाउ अब ब्राह्मणी से ऊपर चलो, ब्राह्मणी से ऊपर है बैतरणी। ओके तो क्या ये नॉर्थ से साउथ वाला जो ईस्टर्न घाट पे उसी में लिखना है क्या? हाँ तो नॉर्थ से साउथ वाला ईस्टर्न घाट में उसी पे लिखना है कि यहाँ पे है ब्राह्मणी, ठीक है, ये शंख और साउथ कोयल से बनी है, उसके ऊपर है बैतरणी। अच्छा तो बैतरणी और ऊपर, ये आकर के ब्राह्मणी में मिल जाती है क्या? हाँ ब्राह्मणी में ही मिल जाती है। ओके तो मतलब ब्राह्मणी में तीन नदियाँ मिल रही है? नहीं पहले तुम दो याद रखो, उसके बाद ये जाकर के इसमें मिल रही है। अच्छा तो नीचे वाला आकर के ऊपर वाले में मिल रही है क्या? हाँ। नाउ उसके ऊपर और लिखो, क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा, मैंने सुवर्णमुखी बताया था, अब यह है सुवर्ण रेखा। तो बैतरणी के नीचे है ब्राह्मणी, उसके ऊपर है सुवर्ण रेखा महानदी, ठीक है, ये तीनों मिलाकर के महानदी है ना। ओके अब महानदी के बारे में देखते हैं, ये हो गया ईस्टर्न घाट की नदियाँ, अब महानदी के बारे में देखते हैं। और दो तीन नदियाँ कहीं कहीं छूट रही हैं, क्या है? अब नाउ महानदी के बारे में देखते हैं कि ये महानदी रिवर क्या है, इसका ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है, तो दिखाते हैं एक एक करके है ना। पहले महानदी का एक लाइन खींचा जाए, फिर उसको लिखना शुरू किया जाए। एक ट्रिब्यूटरी का नाम है, पहले जो ट्रिब्यूटरी है इसका वो आता कहाँ से है तो उसको देख लेते हैं। ये रहा मेरा मार्कर, और मार्कर को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और थोड़ा रंगीन करता हूँ है ना। ये रहा शिवनाथ, नाम क्या है? शिवनाथ। ओके तो ये शिवनाथ है। ओके ये है तंदुला रिजर्वायर। कौन सा रिजर्वायर है? तंदुला रिजर्वायर, मतलब तंदुला रिजर्वायर इज़ रिलेटेड विद द महानदी रिवर। हाँ तो ठीक है, तंदुला रिजर्वायर जो है वो महानदी से रिलेशन रखता है। कैसे? शिवनाथ उसका ट्रिब्यूटरी है ना। हाँ ये तो आपने बिल्कुल सत्य बोला है, हाँ तो मैं सत्य ही बोलता हूँ है ना। उसके बाद क्या? उसके बाद ये, उसके बाद ये शिवनाथ है, तंदुला रिजर्वायर हो गया। अब ये तंदुला रिजर्वायर से पानी जाएगा शिवनाथ में। यहाँ पे एक और है कनकेर बेसिन, कनकेर बेसिन याद रखना है ना, कनकेर बेसिन भी कोई चीज़ है, ठीक है, इसको भी रेस करते हैं कि हमें तो दो याद हो गया, एक शिवनाथ रिवर और तंदुला रिजर्वायर, कनकेर बेसिन, ठीक है, तीन चीज़ें याद हो गई। पहला क्या याद हुआ? शिवनाथ रिजर्वायर। तो शिवनाथ, हसदो, मंद और ईब, चार नदियां हैं जो नॉर्थ से मतलब राइट बैक ट्रिब्यूटरी के रूप में ज्वाइन करती है। तो नाम क्या है? शिवनाथ हसदो और इसी में कहीं मंद रिवर है, कहाँ गया मंद और ईब। तो ये लिख लो कि छोटा कर दो क्या इसको, और छोटा कर दो क्या, दिख ही नहीं रहा है मंद, मुझे तो रिहंद दिख रहा है। हाँ शिवनाथ हसदो, ये है मंद, ठीक है, ये है मंद, और एक और नदी है जिसका नाम है ईब। तो ईब क्यों नहीं दिख रहा मुझे? सो ये है महानदी रिवर, ठीक है। ये हीराकुंड रिजर्वायर किस पे लोकेटेड है? किस पे है हीराकुंड रिजर्वायर? तो महानदी रिवर पर है। और एक ईब करके नदी है, अब ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है पता नहीं, ठीक है। तो चार नदियाँ हो गई, हसदो, मंदीब, शिवनाथ हसदो, मंद, ईव, ठीक है, फिर हीराकुंड याद रहेगा। सो सबसे पहला क्या है? शिवनाथ, दूसरा हसदो, तीसरा मंद,
चौथा ईव, शिवनाथ हसदो मंद ईव। नाउ इसको भी रेस करते हैं, शिवनाथ हसदो मंद ईव हो गया। अब तंदुला रिजर्वायर देखते हैं, तंदुला रिजर्वायर कहाँ है, तो शिवनाथ से रिलेटेड है। रिजर्वायर का नाम देखते हैं, हीराकुंड रिजर्वायर कहाँ है, हीराकुंड रिजर्वायर तो डायरेक्ट महानदी पर है। ओके तंदुला रिजर्वायर तो डायरेक्ट महानदी पर है, लेकिन क्या कुरुंग रिजर्वायर महानदी से रिलेटेड है क्या? कुरुंग रिजर्वायर देखो यहाँ पे, क्या ये महानदी से रिलेशन रखता है? नहीं, किसी भी तरीके से नहीं रखता है। ओके मतलब ये नहीं रखता है ना। अच्छा ये बर्नर दिख रहा क्या? बर्नर शायद नर्मदा में ना दिखे उधर से, तो मैं इधर से दिखा दे रहा हूँ कि ये बर्नर है, ये है बंजर। बर्नर मतलब तवा में जो लहराने वाला था, बंजर बर्नर बंजर शेर शक्कर तवा है ना, तो इस तरीके से नर्मदा का ट्रिब्यूटरी है। तो ये दो यहाँ भी दिख रहे हैं, एक का नाम है बर्नर, एक का नाम है बंजर, जो दो दिख रहे हैं नर्मदा का ट्रिब्यूटरी। ये है अमरकंटक की पहाड़ी और यहीं से शुरू होता है एक जोहिला और एक सोन, और दोनों सोन में जाकर के मिल जाते हैं। जोहिला रिवर भी मैच कर जाएगी किसमें, सोन में, और फिर आगे जाएगी। इसी पे बांध है जिसका नाम है रिहंद, तो ये दोनों घूम फिर के यहीं पे आएंगे। रिहंद रिवर है ये, और यहाँ पे रिहंद करके डैम है, रिहंद डैम बोलते हैं इसको। ये सोन से रिलेटेड है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं रहे, और तो आप क्यों बता रहे थे? बुलवाने के लिए। पहला का नाम बताओ शिवनाथ, दूसरा का नाम हसदो, तीसरा का नाम मंद, चौथा का नाम ईव। ईव का कैसे लिखते हैं? आई और बी। ओके तो अब दो रिजर्वायर का नाम बताओ जो महानदी से रिलेटेड है, तंदुला रिजर्वायर और हीराकुंड रिजर्वायर। ओके और ये हीराकुंड का बेसिन है, मतलब यहाँ से पानी ये खींच करके भी ले जा सकता है, ठीक है। ओके और ये हसदो तो कोरबा डिस्ट्रिक्ट के सेंटर से जाता है। हाँ हस तो कौन सा नदी है जो कोरबा डिस्ट्रिक्ट के सेंटर से जाता है? तो वो है हसदो, जाते जाते हंस देता है हसदो। अच्छा तो ये कोरबा वाले, ठीक है। नाउ अब महानदी में चलते हैं, तो सर महानदी में ही तो हैं। हाँ तो वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी था, अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में देखते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में तीन ट्रिब्यूटरीज हैं, चार हैं, पांच हैं, छः हैं। हाँ तो जितने भी ये सारे देख लेंगे, है ना। इंद्रावती नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, देख लो इसका बदमाशी। इंद्रावती यहाँ से जाते हुए नीलगिरी, ये कौन सा है, नीमगिरी, नीमगिरी को पार करके फिर जा रही है वो महानदी में। और एक इंद्रावती और नारंगी जा रही थी गोदावरी में, याद है? हाँ याद तो है थोड़ा बहुत। ओके नाउ तो वो तीन चार रिजर्वायर हैं, हम एक साथ देख लेते हैं ना। पहले का नाम है हीराकुंड, हीराकुंड रिजर्वायर याद हो गया, महानदी में है। हीराकुंड रिजर्वायर कहाँ है? महानदी में है। दूसरा है तंदुला रिजर्वायर, वो कहाँ है? महानदी में है। मरम रिजर्वायर कहाँ है? महानदी में। मरम महानदी में। दुधवा रिजर्वायर कहाँ है? दुधवा रिजर्वायर भी महानदी से रिलेटेड है, दुधवा महानदी। ये देखो महानदी रिजर्वायर, महानदी रिवर कहाँ शुरू होता है? तो मरम और दुधवा रिजर्वायर से। महानदी रिवर का मेन ओरिजिन कहाँ से कह सकते हैं? तो दुधवा और मरम रिजर्वायर से। हीराकुंड रिजर्वायर, हाँ जी, तंदुला रिजर्वायर, तो चार रिजर्वायर हैं, चार नदियाँ एक साथ हो गया ना। अब महानदी का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बाघ रिवर क्या है? अरे बाघ है ये महानदी का, हाँ तेल है, तेल, बाघ तेल, ओंग। ये इंदिरा रिवर है, इंदिरा रिवर भी तेल रिवर में जाकर के मिल रही है ना। सर इसमें तेल जाता है क्या? नहीं तेल नहीं जाता है, बस नाम है। ओके ओके ये तेल रिवर है ना, इसमें जाकर के मिल रही है। नीमगिरी की पहाड़ी है, ठीक है, और इंद्रावती रिवर है, ठीक है। ये जगदलपुर को टच करते हुए जाती है इंद्रावती, है ना। तो अब बताओ पहला नदी का नाम हसदो, दूसरा का नाम मंद, तीसरा का नाम शिवनाथ, हसदो मंद ईव, चार हो गया। तंदुला हीराकुंड, तंदुला हीराकुंड मरम दुधवा, तंदुला हीराकुंड मरम दुधवा। ओके सो तंदुला हीराकुंड मरम एंड दुधवा महानदी से रिलेटेड है, ठीक है। तेल ओंग, तेल ओंग और एक और ट्रिब्यूटरी है जोंग, तेल ओंग एंड जोंग। बाघ तेल ओंग जोंग, बाघ तेल ओंग जोंग, बाघ तेल ओंग जोंग, बाघ तेल ओंग इंद्र जोंग,
बाघ तेल, बाघ तेल, इंदिरा ओंग जोंग। बाघ पहले का नाम क्या है? बाघ, दूसरे का नाम तेल, तीसरे का नाम इंदिरा, चौथे का नाम ओंग, पांचवे का नाम जोंग। याद हो जाएगा? अरे हाँ, बाघ तेल इंदिरा ओंग जोंग, याद तो हो गया। शिवनाथ हस्तो मंद ईव। तंदुला हीराकुंड मरम दुधवा, तंदुला हीराकुंड मरम दुधवा किससे रिलेटेड है? महानदी से। बस महानदी में इतना ही है। अरे आपने वंशधारा बताया था? नहीं, वंशधारा मैंने वो दूसरे में बताया था। आपने ऋषिकुलिया बताया था? ऋषिकुलिया चिल्का नदी के नीचे मैंने बताया था, और वंशधारा के बीच में बताया था। ओके ओके ओके, तो अब बताइए कि क्या गर्जाठील से गोदावरी महानदी का ओरिजिन होता है क्या? नो सर, गर्जाठील से नहीं होता है। ओके, और ये है चुरी हिल, ये है उदयपुर हिल। अच्छा, ये उदयपुर हिल छत्तीसगढ़ वाला उदयपुर है। एक उदयपुर है राजस्थान में, एक उदयपुर है त्रिपुरा में, ठीक है। तो ये तीनों उदयपुर अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है। ये उदयपुर हिल के लिए फेमस है ना। नाउ इसको भी रेस करते हैं, देखते हैं कितना याद हुआ है। तो क्या कुरुंग रिजर्वायर जो है या अमरकंटक महानदी से रिलेटेड है? अमरकंटक तो ना दिख रहा है अभी तक मास्टर। ओके, सुरगुजा बेसिन से क्या जो सुरगुजा बेसिन है क्या उससे महानदी में पानी जाता है? हाँ, जा रहा है, दिख रहा है। अच्छा, तो सुरगुजा बेसिन भी महानदी से रिलेटेड है। हाँ, सुरगुजा बेसिन से हसदो आते हैं ना, और मंद भी तो आता है। नहीं, मंदपुर मंद तो अंबिकापुर से आता है, रामगढ़ हिल से आता है। अच्छा, उदयपुर वाले एरिए से आता है मंद। याद हो गया? मरम दुधवा, तंदुला और हीराकुंड। हाँ, तो ये हो गया महानदी का यहाँ पे फिनिश। अब इसको देखते हैं कितना मिनट। हाँ, तो यहीं रुकते हैं महानदी रिवर को। अब चलेंगे अगले रिवर में, जो कि है मध्य प्रदेश का नदी। नाम क्या है उसका? तो नर्मदा रिवर इन द नर्मदा वैली। ओके, सो बोलिए हरे कृष्णा।